नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉमटेरिया पर। बच्चों देखिए, हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत लोक संस्कृति लोक साहित्य का सेट नंबर 2 पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 90 है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि वो क्या कहते हैं? भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, इसको कहते हैं ची माता। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? ची माता। भील जनजाति से संबंधित नहीं है। भील जनजाति से संबंधित नहीं है। देखिए कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। इतिहासकार कर्नल, फटाफट हम क्वेश्चन करते जाएंगे, टोंड, इतिहासकार कर्नल टोंड ने भीलों को क्या कहा? अब जो इतिहास की नॉलेज रखते थे तो उन्होंने भीलों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? वन पुत्र कहते थे। क्या कहते थे? वन पुत्र है भील। अच्छा, मध्य प्रदेश में कंघी का, जिसे बाल जाते हैं, कंघी कला आविष्कार नहीं है, कंघी है, कंघी नहीं है, कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है। बड़ा भ्रंश है बच्चों। मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है। कंघी कला, कंघी कला किसकी है? बंजारा। मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है बंजारा, जनजाति मानी जाती है बंजारा। चलिए देखिए 94 क्वेश्चन। सेटम नृत्य, सेटम नृत्य की जनजाति, ट्राइबल्स के बारे में बच्चों पढ़ से संबंधित है। सेटम नृत्य की जनजाति से संबंधित है, तो देखिए बच्चों ये भारिया से संबंधित है। किसे संबंधित है? भारिया से। अच्छा, अब देख लीजिए कर्मा और रीना, बच्चों ध्यान दीजिए, कर्मा और रीना किस जनजाति की नृत्य? कर्मा और रीना की जनजाति के नृत्य हैं, तो देखिए बैगा जनजाति, बैगा जनजाति के नृत्य हैं कर्मा और रीना। आइए बच्चों और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको ऐसे जवाब याद जाएंगे लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। गौर नृत्य की जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य की जनजाति से संबंधित है। पूरा हम एक सिनेरियो बना लिए हैं कि एमपी का जितने भी प्रश्न है हम लोग के पास 500 प्रश्न की पूरी श्रृंखला है, 200 प्रश्न ये कंप्लीट करा दूंगा मैं, तो 2 सेट खत्म,
तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट। और भी आप बुक भी खरीद लीजिए, उससे भी पढ़िए। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति। किससे संबंधित है? मुड़िया से। अच्छा, भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मालवा में। ध्यान दीजिए, मालवा के बारे में जानते हैं। मालवा क्षेत्र में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है। अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति, अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है। अब देखिए, ऑप्शन क्या दिया? खासी दिया, बिलाना दिया है, कुरकू दिया है, बररिया दिया है। कौन कौन सा दिया है? अब क्वेश्चन आ गया तो लिख देते हैं। खासी, बिलाला, कुरकू, खासी बिलाला, खासी भी लाला, भी लाला, खासी बिलाला, खासी बिलाला, कुरकू, बररिया। बररिया, ठीक है बच्चों। अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है, क्या खासी है, क्या भिलाला है, क्या कोरकू है, क्या बररिया है? गेस करिए। तो देखिए, भिलाला। ध्यान दीजिए बच्चों, फिर मैं लिख रहा हूं एक बार इसको, भी ला ला, भिलाला। अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है, खासी नहीं है, कुरकू नहीं है, बररिया नहीं है, भिलाला है, भिलाला। आइए रिवीजन कर लेते हैं, अपनी रिवीजन बुक निकालिए आप बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे। घबराए नहीं आप लोग, पूरा लेक्चर हम देंगे। अभी ये ब्लैक बोर्ड भर गया, व्हाइट बोर्ड, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग हैं MPPCS के यूनिट 10 सिलेबस में, कौन सा आप देख लीजिए सिलेबस कौन सा चल रहा है बच्चों। यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, UNIT यूनिट 10, ध्यान रखिएगा, यूनिट 10 सेट 2 है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, उनके लोक संस्कृति, उनके लोक साहित्य, यूनिट 10 सेट 2 हम कर रहे हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चीमाता। भील जनजाति से संबंधित नहीं है, कर्मा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। कर्नल, मशहूर इतिहासकार कर्नल टोंड ने भीलों को क्या कहा है? इतिहासकार कर्नल टोंड ने भीलों को वन पुत्र कहा है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इनका? वन पुत्र के नाम से कहा था। एमपी में कंगी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है बंजारा। सेटम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया जनजाति का है सेटम नृत्य। कर्मा और रीना किस जनजाति में नृत्य है? पैगा जनजाति। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मालवा में। मालवा में मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति भिलाला है। अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति क्या है? भिलाला। ध्यान दीजिए, अलीराजपुर जिले की प्रमुख जनजाति है भिलाला। तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि चीमाता कहलाती है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि चीमाता
भील जनजाति से संबंधित नहीं है कर्मानिति। इतिहासकार कर्नल टोन ने भीलो को क्या कहा था, वन पुत्र के नाम से संज्ञा दी थी। मध्य प्रदेश में कंगी कला आविष्कार बंजारा ने जनजाति से और सेटर नृत्य की जनजाति से संबंधित है भारिया जनजाति। कर्मा और रीना की जनजाति के नृत्य है बैगा जनजाति। गौर नृत्य की जनजाति संबंधित है मुड़िया जनजाति। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में। अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति क्या है, भिलाला। विद्रोह के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था आजादी के लिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में विद्रोह में बहुत ही एक्टिव सक्रिय रूप से भाग लेने वाली, मतलब एक्टिवनेस से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी, लेने वाली जनजाति कौन। भील दिया है, गोंड दिया है, कोरकू दिया है, बैगा दिया है। देखिए बच्चों, तो सबसे ज्यादा भील ने क्या किया था, भील ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील है। सेट का लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 2 था हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन 100 का सेट है। 2019-20 में एमपी सरकार ने किस जनजाति, 2019-20 की बात हो रही है, किस जनजाति की भाषा को क्या बच्चों, 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है। में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है, गोंड की भाषा को। इसको बच्चों, गोंड जनजाति की भाषा। अब देखिए बच्चों, ये सेट 2 हमारा कंप्लीट, अभ्यास प्रश्नमाला सेट 3। सेट 3 स्टार्ट हो गया, यहां से 200 प्रश्न हमने इस पर आधारित कर लिए। सेट 3 का प्रश्न है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहां मिलती है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहां मिलती है। अब ऑप्शन आपको हम देते हैं, विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर जिले में, उमरिया और मंडला जिले में, या मंडला और बालाघाट जिले में। देखिए मंडला और बालाघाट जिले, ध्यान दीजिए बच्चों, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहां मिलती है, मंडला और बालाघाट जिले।
बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? मंडला और बालाघाट जिले में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेट थ्री चल रहा है। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति शहद पर्व, कौन सा शहद पर्व मनाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया था ना कि शहद का पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, कई वर्षों पर मनाती है? बेगा। तो बेगा जनजाति मनाती है, बेगा बेगा जो भी है, शहद पर्व मनाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, द मूरिया एंड द अंग्रेजों का भी बड़ा आदिवासियों के साथ जो लगाव था, उन्होंने ईसाईकरण भी किया आदिवासियों के बीच में। दी मूरिया एंड देयर, दी मूरिया एंड देयर होटलू, किसकी रचना? दी मूरिया एंड देयर होटलू किसकी रचना है? देखिए ये रचना है वीरियर एल्विन की। किसकी है बच्चों, ध्यान दीजिए, वीरियर एल्विन, वीरियर एल्विन की रचना है द मूरिया एंड देयर घोटलू। द मूरिया एंड देयर घोटलू किसकी रचना है? वीरियर एल्विन। द बेगा, द बेगा पुस्तक, द बेगा पुस्तक के लेखक है। मतलब जनजाति बनी है पुस्तक द बेगा, द बेगा पुस्तक के लेखक हैं वीरियर एल्विन। ये भी ज्यादातर इन्होंने ही इस क्षेत्र में कार्य किया, वीरियर एल्विन। आप सुमेलन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां कर रहा हूं, देखिए सुमेलन, सुमेलित बताएं, क्वेश्चन सुमेलित बताएं। अब हम सुमेलन करेंगे, गोंड का अगरिया उपजाति और जाति है, बेंगा का बिझवा, बिझवा गवारिया का पटरिया और कोरकू का महार, कोरकू का महार। अब आपको बताना है किसका सुमेलित नहीं है, सुमेलित बताएं कौन नहीं है, कौन नहीं, कौन नहीं सुमेलित है। क्वेश्चन ये है, सुमेलन में बताएं कि कौन सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, दिए हुए उनमें से कौन सा सुमेलन नहीं। जाति है गोंड, उपजाति है अगरिया, सही है। जाति है बेंगा, उपजाति है बिजवार, सही है। जाति है गवारिया, उपजाति है पतलिया, सही है। जाति है कुरकू, उपजाति है महार, गलत है। तो यही आंसर सही होगा, जो गलत है उसी को चुनना है, तो कुरकू का महार नहीं होता है उपजाति, इसलिए क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। अच्छा और आगे बढ़ते बच्चों, एक बार और देख लीजिए, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील है। 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है? गोंड भाषा ने को, और बैगा, अब सेट 3 आ गया,
बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो मंडला और बालाघाट जिले में मिलती है। कौन सी जनजाति सहद पर मनाती है? तो बैगा जनजाति सहद पर मनाती है। द मूरिया एंड देयर घोटलू किसकी रचना है? तो वेरियर एलेविन की रचना है। और फोर्थ क्वेश्चन है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेरियर एलेविन है। अब कौन सुमेलित नहीं है? तो गोंड अगरिया सुमेलित है, बेंगा बिजवार सुमेलित है। ये जाति और उपजातियां हैं। गवारिया पतलिया पटलिया ये भी सुमेलित है, लेकिन कोरकू और महार सुमेलित नहीं है। कोरकू की उपजाति महार नहीं। ध्यान से आप बच्चों पढ़ते रहिए, देखते जाइए हम इसमें आपको कितना अच्छा परफॉर्मेंस बना देते हैं। 500 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे फिर देखिएगा कितना अच्छा आपका कमांड बन जाएगा एमपी के यूनिट 10। और भी करंट अफेयर जो हम कराते रह रहे हैं उसकी भी रिविजन करते रहिए, इलेक्शन के दिन बीत जाएंगे, फटाक से पेपर आ जाएगा। आज देखिए समाचार पत्र में निकला था कि यूजीसी नेट की भी डेट है, यूपीएससी की 16 जून और यूजीसी नेट की भी डेट कर दी इन्होंने 16 जून। अब यहाँ एक जटिल प्रश्न आ गया कि एक डेट को तो हटाना पड़ेगा। देखिए नेट की हटती है कि यूपीएससी की तो नहीं हटेगी डेट, नेट की डेट ही 16 के अलावा आगे जाएगी। मैंने भी रिक्वेस्ट किया है NTSC कि कृपया यूजीसी नेट का पेपर आप 16 जून को भी मत कराएं और 23 जून को भी आप मत कराएं, 23 जून को भी मत कराएं, क्योंकि 16 जून को यूपीएससी प्री है और 23 जून को एमपीपीएससी प्री है SSC, इसलिए हमने दोनों के लिए यहाँ मेल कर दिया है कि 16 जून मत कराइए प्लीज और 23 जून की बच्चों को दिक्कत है मत कराइए, 23 जून के बाद कराइए, ताकि जो बच्चा एमपीपीएससी भी दे रहा हो यूपीएससी भी दे रहा हो नेट भी देना चाहता हो अपने सब्जेक्ट से एमए किया हो तो तीनों में शामिल हो जाए। एक अच्छा अवसर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर सी और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, क्योंकि आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो नियुक्ति के पात्र हो जाएंगे, फिर आप रिसर्च करते रहिएगा नौकरी के लगने लगते रहते बाद में करके दिखाना होता है, लेकिन अभी फिलहाल नौकरी तो आपको मिल जाएगी। यूनिट 10 हमारा है। अच्छा अब सेट 3 हो गया है, ध्यान रखिएगा सेट 2 हमने खत्म कर दिया, सेट 3 हो गया। ये क्वेश्चन भी है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। बूढ़ा देव एमपी किस जनजाति की प्रमुख देवता है? किस जनजाति एमपी प्रमुख देवता? बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की जनजाति के प्रमुख देवता है। देखिए बैगा के लिए बेगा के लिए बेगा बेगा लिखा है जनजाति, तो बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति के प्रमुख देवता है। किसके? बेगा जनजाति। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, अबूज मारिया अबूज मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती? देखिए बच्चों, अबूज मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती? छिंदवाड़ा। बच्चों ध्यान दीजिए, अबूज मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती। अबूज मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की जनजाति के प्रमुख देवता हैं, बैगा जनजाति के हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? मंडला और बालाघाट जिले में। कौन सी जनजाति सहद पर मनाती है? बेगा जनजाति। द मूरिया एंड देयर घोटलू किसकी रचना है? वेरियर एलेविन की। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एलेविन। जाति
जनजाति और उपजाति की बात करें तो गोंड की उपजाति है अगरिया, बेंगा की उपजाति है बिजवार, गवारिया की उपजाति है पटलिया। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बेगा जनजाति के। अबूझ मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अबूझ मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो चल रहा है, सेट थ्री के 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिया बच्चों। तो 7 क्वेश्चन हमने ये किए और यहाँ पे हमने कर लिए 10 प्रश्न पूरे, 17 क्वेश्चन हमने आज पूरे किए। ध्यान दीजिए बच्चों, 17 प्रश्न हमने पूरे किए हैं। काफी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एन अचीव यू गोल। देखिए यूपीएससी 3 की परीक्षा 16 जून को है, यूपी पीछे जुलाई में होगा, यूपी आरओ यारों के सारे नकलची पकड़े जा रहे हैं, रोज अखबार में आ रहा है, ये भी जल्दी होगा एग्जाम। 23 जून को एमपीपीएससी पीटी होगा, आरजीएस प्री भी होगा 16 जून को, आरपीएससी एपीओ भी हो जाएगा, और इसके बाद देखिए एनटीए यूबीसी नेट की जो एग्जाम है 16 जून को एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आप देख लीजिए और कौन सा एग्जामिनेशन आपके पास है, एसएससी सीएचएसएल है, इसकी तैयारी करिए बच्चों। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में एसएससी के थ्रू पोस्ट आई है पोस्टल डिपार्टमेंट में, उसको भी देख लीजिएगा, डाक विभाग की और भी कुछ विभाग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कृषि सेवा परीक्षा के 268 से ज्यादा सीटों पर भर्तियां आई हैं, उसको भी आप भर लीजिएगा। उसमें बायोलॉजी के छात्र जो हैं, बॉटनी के, और जो 3 साल केमिस्ट्री किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के छात्र जो फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री 3 साल में बीएससी में किए हैं, उनके लिए है कृषि सेवा परीक्षा। तो और भी बहुत सी जॉब्स आई हैं, जो आप देखेंगे यूपीएससी में भी अभी 60-70 पोस्ट की कोई जॉब आई है, मैक्सियस उसको देखिएगा, कई जगह अपॉर्चुनिटी आपके पास। लीगल असिस्टेंट, लीगल एडवाइजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कई कंपनियों में, IOCL में, NPCIL में, कई बड़े बड़े संस्थान में लॉ वालों के लिए भी, MBA वालों के लिए भी जॉब आई है, उसको सर्च किया करिए गवर्नमेंट जॉब पे। बने रहिए, जमे रहिए, आपके साथ हर कदम पे, हर क्षण पे और हर राउंड पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉमटेरिया खड़ा है। कठिन प्रयास निश्चित सफलता के इस महत्वपूर्ण मंत्र के साथ हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण जो हमने क्रक्स और जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी आपको 6-12 की पढ़ाई, सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी हमने आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ही कंप्लीट कराएंगे। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंटिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा मार्कू टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का। बच्चों अगला लेक्चर लेकर बहुत जल्द मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, RGS के लिए, RPSC, MPO के लिए, UPPCS के लिए, UPRO के लिए, RO के लिए, UPC, NET के लिए, SSC के सारे एग्जाम्स के लिए कोटि-कोटि शुभकामनाएं, का जीवन सफल हो और आप सभी लोग पूरा लाभ लेते रहें कॉमटेरिया एजुकेशन पोर्टल का। हमारा 2 चैनल और है, हम फेसबुक पर कॉमटेरिया के नाम से एवं विधिक शिक्षा कॉम्पटेरिया के नाम से व्याप्त है, 2 पेज हैं, विधिक शिक्षा कॉम्पटेरिया और कॉम्पटेरिया, ये दोनों पेज हमारे हैं फेसबुक पर, जिसपे की हम क्लास देते हैं। विधिक शिक्षा कॉम्पटेरिया पे हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की फिलहाल तैयारी करवा रहे हैं और APU की तैयारी करा रहे हैं, इस पर हम भी पढ़ा रहे हैं राजस्थान किराएदारी अधिनियम 2001 और कॉमटेरिया का सेम लेक्चर कॉमटेरिया फेसबुक पेज पे जा रहा है, और लॉ के बच्चों के लिए तैयारी के लिए अभी पेज है विधिक शिक्षा कॉमटेरिया। तो पढ़ाई कीजिए और जितना भी आपको यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं सारा फ्री है, करते रहिए, बनते रहिए सफल। जय हिंद जय भारत। अगले भी लेक्चर्स बच्चों आते रहेंगे, निराश ना हो। जय हिंद जय भारत।